डियर स्टूडेंट, एक पॉलिनोमियल फंक्शन y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है जिसका वर्टेक्स x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पर स्थित होता है। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो को कंसीडर करते हैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिफाइन होता है। जब डेल्टा निगेटिव होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रियल रूट्स नहीं होते। इसका मतलब है ऊपर दिखाए गए फिगर में पैराबोला एक्स एक्सिस को किन्हीं भी दो पॉइंट्स पर कट नहीं करता है। दूसरे केस में जब डेल्टा जीरो के बराबर होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केवल एक रूट होता है। इसका मतलब कि पैराबोला एक्स एक्सिस को किसी एक पॉइंट पर टच करता है। और अंत में पॉजिटिव डेल्टा के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। इसका मतलब पैराबोला एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर काटता है।